Now let us start. 7th standard students, pronounce the following words only. Swasya, khud ka, shigram, tishthatu, vismarati, khaditum, karunataya. I told you कि आप र कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है. ये गुजराती में ठीक है, लेकिन यहाँ बाय प्रिंट मिस्टेक गुजराती जैसा लिखा गया है, पर आप इस र को हमेशा छोटा है तो और बड़ा है तो. नेश्यामी, वंचक, पीपल वृक्ष, अन्विष्यति, श्रृंगाले, क्रुध्यति. नाउ टर्न द पेज एंड सी इट पेज नंबर 24. ओके, नाउ सी इन द पेज नंबर 24. अजा कुत्र गच्छति, कहाँ जा रही है बकरी? तो यहां से आंसर मिलेगा आपको, अजा बही गच्छति. यहाँ पे वो अहम बोल रही है इसलिए गच्छामी है, पर वो थर्ड पर्सन है. अजा बकरी, ही शी इट की कैटेगरी में है, इसलिए वो यहाँ पे आएगा अजा बही गच्छति. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कह रोदिति, कौन रोता है? देखिए जरा, अजा शिशुः रोदिति. आई विल सेंड यू इन रिटर्न फॉर्म, बट ट्राई टू फाइंड कह वंचक अस्ति, कौन धूर्त था, कौन चिटिंग करता था. अच्छा, उसके पहले थर्ड है, श्रृंगालः अजा शिशुं दृष्ट्वा किम् इच्छति. श्रृंगालः, श्रृंगालः अजा शिशुः दृष्ट्वा सुकोमलं मांसं खादितुम् इच्छति उसका. अच्छा, यहाँ पर फिर क्या है, कह वंचक अस्ति, कौन धूर्त था? तो श्रृंगालः वंचक अस्ति. शिशु मुखे घटनाम श्रुत्वा अजा किम करोति? शिशु मुखे घटनाम श्रुत्वा, ट्राई टू फाइंड, शिशु मुखे घटना घटनाम श्रुत्वा अजा क्रुध्यति, अजा श्रृंगालम प्रहरहति, और उस पर प्रहार कर दिया था. फिर वार्तायाम, सॉरी, अजा शिशुम किम वदति, बकरी ने उस बच्चे से क्या कहा? अजा शिशुम वदति, पुत्र अपरिचितस्य उपरी कदापि विश्वासः नैव करणीय, उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए. किस पर? अपरिचित. वार्तायाः शीर्षकम् किम, तो स्टोरी का शीर्षक क्या है पता ही है आपको. यू कैन राइट, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत. अच्छा, कनिंग, वंचक, पीपल ट्री लिख सकते हैं, गोट, अजा, क्विक मिल जाएगा आपको इजिली, स्ट्रॉन्गर शक्तिशाली, रनिंग दौड़ना, बीट मारना, प्रहरति एस्केप भाग जाना, पलायते. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स. ओके, पुत्र अपरिचित से उपरी कदापि विश्वास नैव कर्तव्य, अजा शिशु श्रृंगालेन सह गच्छति, पुत्र अहम बहिः गच्छामि, श्रृंगालः शिशु पश्यति, चिंता मास्तु, अहम मातुः पार्श्वे नश्यामि, शिशु मुखा घटना श्रुत्वा अजा क्रुध्यति. सबसे पहले क्या कहा था? मैं बाहर जा रही हूँ. उसके बाद ये वाले, तो अकॉर्डिंग टू लेसन यू ट्राई टू अरेंज. ओके, और पहले ये लिख दीजिएगा, उसके बाद अरेंज इन द प्रॉपर वे यू विल राइट द सेंटेंसेस. आपको बात समझ में आई? आप ये सेंटेंस भी लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू अरेंज द सेंटेंसेस, तो फिर उसके अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द सेंटेंसेस आर करके सेंटेंस यू विल राइट सेकेंड टाइम. ओके, नाउ सीन द लेसन यू स्टडीड द फॉर्म्स लाइक करणीय, करने योग, गगनीय शुड हैव बीन डन, दस फॉर्म द वर्ड्स एज शोन इन द इलस्ट्रेशन. ओके, दर्शन दर्शनीय, गमन गमनीय, पठन पठनीय, वंदन वंदनीय. यहाँ पे वंदन ये वाला लीजिएगा आप, ये हिंदी में लिखा है इसलिए. पूजन पूजनीय, लेखन लेखनीय, सब में बड़ी की मात्रा.
जो भी करना है वो आपको मैं बता दूंगी। आपको ये दर्शनीय ये भी आपको बुक में करना है, आप ये नहीं लिखेंगे, हिंदी का नहीं लिखेंगे, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करना है। उसके बाद ट्रांसलेशन आई विल सेंड, फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, फॉलो द इलस्ट्रेशन। ओके, बालह डैश डैश इच्छति रोटिका खाद। जब खाने की इच्छा होती है या विश होती है कोई, तो हमेशा हम तुम कृदंत का यूज करते हैं, वो जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगी। जैसे तुम, यहाँ पर तुम, तो वो आधा म है, उसका हम तुम पूरा नहीं बोलेंगे। तो बालह रोटिकां खादितुम इच्छति, लड़के की रोटी खाने की इच्छा है। छात्रा पठितुम, तो ये है पट, तो पाठम, पाठम पठितुम इच्छति, छात्रा की पाठ पढ़ने की इच्छा है। पठितुम जो कि छात्राओं की नहीं होती है, छात्रों की परेशान करते हैं पेरेंट्स को, टीचर को। शिक्षकः कथाम कथयितुम, तो ये मैं लिख के बता रही हूँ आपको, कथाम कहानी कहने की इच्छा है। बहुत सारी कहानी है मेरे पास, कथई तुम पूरा लिखेंगे आप, यह मैं छोटी की माता, ठीक है। सरला क्रीडा क्रीडी तुम, तो सरला क्रीडाम क्रीडी तुम, क्रीडी तुम लिख रही हूं मैं आपको, क्रीडी तुम। सरला की खेलने की इच्छा है, हाँ खेलने की इच्छा तो सबकी होती है। सरला क्या दिन भर खिलवा लो, गेम खिलवा लो मोबाइल पे। प्रणव चित्रम रचयी तुम, चित्र बनाने की इच्छा है किसकी, प्रणव की। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। I told you according to the gender always 1, 2, 4 we count। अश्व धावति घोड़ा दौड़ता है, तो क्या आएगा, एक एका एकम, अश्व मस्क्यूलाइन है इसलिए एक अश्व धावति। बालक क्रीडति लड़का खेलता है, तो एक मस्क्यूलाइन है एक बालक क्रीडति। बाला पढ़ती तो लड़की पढ़ती है, तो एका एका बाला पठती। मंदिरम अस्ति, मंदिरम तो न्यूटर है, तो एकम मंदिरम अस्ति। ये एकम यहाँ जैसा लिखा है, यहाँ पे आप एकम लिखेंगे कैसा, लाइन के नीचे जो मैंने लाइन के यहाँ पे क पे, हाँ अनुसार क पे होगा, म विद स्लैंटिंग लाइन नहीं क्योंकि यहाँ व्यंजन है। फिर एका शाला अस्ति, एक पाठशाला है। एकम चित्रम पश्यामि, तो एकम यहाँ पर अनुस्वार, एक्टिविटी, एक्टिविटी आपको खुद रीड कर लीजिएगा। राइट द वर्ड्स विच योर टीचर डिक्टेट, हम है ही नहीं। रीड द लेसन आइडियली इन अ ग्रुप, ग्रुप में नहीं करिएगा, ग्रुप में तो अभी रहना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। वेयर मास्क, यहाँ पर तो ऑलरेडी नेचर ने हमें मास्क पहना दिया है, यहाँ पर वैसे अकॉर्डिंग टू एनिमल्स आपको लिखा गया है मास्क। And present the lesson. So next year we will present on or in the second term. Tell the story of this lesson to your friends. So tell the story to your parents. Now see here, adhikari, that means officer. Uttankah, uttankah, professor. Adhivakta, lawyer, vakil. Vikrikah, trader. Abhiyanta, engineer. Lipikarah, lecturer. ये आपको पिक सहित लगाने हैं, ओके। आई विल सेंड यू ट्रांसलेशन, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, आई टोल्ड यू, ओके। एंड इफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।